गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवास आदि श्रीवास आदि गौर गौर भक्तवृंद भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 प्यारी बालकी वैष्णवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुरेश कुमार जी परिवार के साथ हरि कथा और हरि कीर्तन अपने निवास स्थान पे बालकी के उज्जवल भविष्य के लिए सफलता श्रेष्ठतम चरित्रवान जीवन और आगे संस्कारों के साथ धर्म और मर्यादा के साथ जीवन को मानव जीवन को जो दुर्लभ है उसके परम लक्ष्य और परम लाभ को प्राप्त कर सके इसके लिए आज ये जन्मदिन का उत्सव धार्मिक विधि विधान से भगवत नाम कीर्तन और भक्तों के संग में हरि कथा के हरि कथा का मतलब भगवान हरि का सानिध्य हरि कथा और हरि के सानिध्य में कोई अंतर नहीं है सो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये जो आयोजन किया है इसके लिए आप सबका साधुवाद
अच्छा कार्य किया है, नहीं तो जन्मदिन पे लोग तो पार्टी करके गिफ्ट इकट्ठी करने का सोचते हैं। वास्तव में जन्मदिन के पुराने जमाने में जन्मदिन के बच्चे के समान तोल के अन्नदान किया जाता था, गाय को खिलाया जाता था, कोई सेवा का कार्य किया जाता था कि भगवान की कृपा प्राप्त हो। दीप जलाए जाते थे, मोमबत्तियां बुझाना तो पाश्चात्य संस्कृति से आया है, काटना हमारा काम नहीं था, बांटना हमारा काम था। तो सारे संस्कार जन्मदिन के हमने बिगाड़ दिए थे। अच्छा है भगवान श्री ये जो भी 500 साल पूर्व भारत में भक्ति का जो प्रचार पंजाब में गुरु नानक देव ने किया, मध्य भारत में उत्तर प्रदेश में तुलसीदास महाराज ने किया, ओडिशा और बंगाल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, इन सब दिव्य पुरुषों ने कली काल में धर्म को पुनः घर घर तक, जन जन तक, कन कन तक, कान कान तक पहुंचाने में बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, एक बहुत बड़ा योजनाबद्ध कार्य किया। उसका प्रभाव आज भी कलयुग में संपन्न परिवार है भगवान की कृपा से, चाहे तो पांच तारा होटल में, फाइव स्टार होटल में भी जन्मदिन मनाने का प्रबंध कर सकते हैं, परंतु बहुत धार्मिक उद्देश्य से और धार्मिक अपने घर में वातावरण में ऐसे जन्मदिन मनाने का उत्सव मनाया है। कहते भगवान जन्मदिन तो भगवान श्री कृष्ण का भी हम मनाते हैं जन्माष्टमी, जन्मदिन तो भगवान रामचंद्र का भी रामनामी के दिन मनाते हैं, अभी 25 दिसंबर को गुरु नानक साहब का भी जन्म आता है। तो उन सब जन्मदिनों के ऊपर लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, भंडारे होते हैं, कीर्तन होता है। इसका अर्थ है कि उन्होंने हमको सिखाया, वास्तव में ये है कि बच्चों को ऐसे उत्सवों में बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए। रामचंद्र जी के लिए लिखा है कि प्रातः उठ रघुनाथा, सुबह उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नवाई माथा। सुबह सवेले प्रातः उठकर भगवान रामचंद्र अपने माता पिता और गुरु को माथा टेकते थे। वही 15-20 साल पहले हमने हरिद्वार में भागवत के अंदर दिनचर्या भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी थी। भगवान सुबह उठकर पहले ध्यान करके, अपना ही ध्यान करना है, भगवान तो है, फिर नहा धो के दान आदि करते थे और फिर माता पिता और बड़ों का चरण छूने के लिए जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ों के सम्मान आदर करने से चार चीजें बढ़ती है, आयु, उम्र, यश, उसकी मशहूरी, नामाचार, विद्या, उसके पास विद्या आएगी, इलम आएगा, एजुकेशन आएगी। आयु, यश, बल, विद्या और चौथा
आयु यश बल विद्या इसकी वृद्धि होती है। तो बड़ों का आदर करना, एक तो प्रातः उठ के, प्रातः उठने की जो परिभाषा है, प्रातः उठने का मतलब सुबह सवेरे उठना, और सुबह सवेरे उठना ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, अमृत वेला जिसको कहते हैं, वो उठना वास्तव में भगवान को पाने का वो ही सुख अवसर है। और आजकल के नौजवानों को उस समय उठने का तो पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। बड़ों का आदर करना तो दूर की बात हो गई, वो उठने का समय भी समाप्त हो गया। मैं सुन रहा था पुराने जमाने में जब टेलीफोन एक्सचेंज होते थे, ये फोन मोबाइल नहीं आए थे, तो फोन करने के लिए इमरजेंसी में रात को बैठते थे तो कहते थे लाइन एंगेज है, अभी इंतज़ार करो, एक घंटा इंतज़ार करना पड़ता था, कभी कभी एक एक दो दो घंटा इंतज़ार करना पड़ता था। तो पूछते थे भाई लाइन फ्री कब होती है, पर 4-5 बजे कोई नहीं फ़ोन करता, उसको लाइन फ्री होती है। तो जो 4 बजे जाग जाता था फ़ोन करता था, पहले नंबर बुलाने से मिल जाता था। तो महात्मा कहता है मेरा जीवन का अनुभव है कि जब दुनिया के काम के लिए 4-5 बजे फ़ोन मिला तो मिल जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। उस समय अगर भगवान को भी फ़ोन मिला हो तो भगवान का भी फ़ोन मिल जाएगा, तुम्हारी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो प्रातः उठने वाले भाग्यशाली होते हैं, और बड़ों का आदर करना जो जाने, हमारे पास बड़ों का आदर करना और फिर कन्या का सम्मान करना, नारी का सम्मान, वैसे 5 चीजें हैं जो समाज के अंदर बच्चों का अच्छी तरह से शिक्षा पालन पोषण करना, क्योंकि भविष्य में तो वही संसार चलाने वाले हैं, उनको शिक्षा दीक्षा सही होनी चाहिए, बच्चों का देखभाल, नारी का संरक्षण, नारी का सम्मान। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां सुख संपत्ति नाना प्रकार के वैकुंठ के समान सुख सुविधाएं होती हैं, आनंद होता है। और जहां नारी का शमशान नहीं, जहां सम्मान नहीं वो शमशान के समान है। तो नारी, क्योंकि नारी बालक को जन्म देने वाली है, बालक को शिक्षा देने वाली है, बालक की मातृभाषा होती है, संस्कार वही देती है, तो उसका सम्मान समाज में होना चाहिए। बच्चे का सम्मान, नारी का सम्मान, वृद्ध बड़े उम्र के लोगों का सम्मान, क्योंकि उनके पास जीवन भर का अनुभव है, उसके अनुभव का लाभ लेना चाहिए और उनको सुखपूर्वक सेवा करके अंतिम समय भगवान के स्मरण में बाधा न पड़े, ऐसा उनको शुभ अवसर देना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। 3 तो ये है। चौथा गाय, समाज में अगर गाय है तो धर्म की रक्षा होती है। जब गाय समुद्र मंथन से निकली थी तो वो गाय ऋषियों को दी गई, राय गाय ऋषियों के पास होगी तो यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो सारे संसार का कल्याण होगा। तो गाय, अब गाय भी अच्छा है, कोई एक दो गौशालाएं दिखती है यहाँ उल्लासनगर में, लोग सेवा करने भी जाते हैं, लोगों में भावना भी है, तो गाय का संरक्षण भी संस्कृति के उत्थान के लिए अति आवश्यक है। और 5वां है ब्राह्मणिकल कल्चर, इसका मतलब जो हमको शिक्षा संस्कार देने वाले हैं उनका आदर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये 5 वर्ग जिस समाज में सुरक्षित हैं, बच्चे, बड़े, नारी, गौ और ब्राह्मण, वो समाज उन्नत होगा, वो समाज प्रगति करेगा, वो समाज सुखी रहेगा। अब ये 5ों चीजें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इसका देखभाल नहीं हो रहा, तो ये छोटा सा काम है तो बच्चे का जन्मदिन, बच्ची का जन्म है, वैष्णवी का जन्म, कितना 11 तो कौन सी क्लास में हो, हाँ 9th में, 9 और 5 14 साल की हो गई, हाँ तो बच्ची लग रही है।
इन बच्चों में ये संस्कार बचपन से देना घर के अंदर बहुत जरूरी है। स्कूल में अभी ये नहीं मिलते हैं, पहले गुरु के पास जाते थे पढ़ने, सब संस्कार मिलते थे, अब वहां मिलते नहीं है, कहां मिलेंगे, कौन सिखाएगा। तो घर के अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी, मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ों का, रामचंद्र ने शिक्षा दी, बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बड़ों के रोज पहला काम ही यह है, बड़ों का चरण छू के। और मैं बात अपनी कर रहा था, जब मैं ये कथा 21 साल पहले सुनी थी, जब मैं घर जाता था, मैंने नेम बनाया, जितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे रिश्तेदार कोई भी, मैं उठ के पहले जाके सबके चरण छू किया था। वो जब तक थे, अब तो नहीं कोई बड़े रहे, लेकिन फिर भी ये मैंने उस वक्त सीखा कि ये सबसे बड़ा, अब माता पिता का आदर करके सुबह चरण छू के आशीर्वाद लेके जाए। पहले जमाने में लोग माता पिता का छू के फिर मंदिर जाते थे, टिकाने जाते थे, माथा टेकते थे, फिर काम पे जाते थे। ये पुराना मर्यादा ये थी, अब ये सब चीजें अनदेखी कर दी है लोगों ने, इसको बिल्कुल कम, इस चीज को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम है, इनको धार्मिक करने से इन बच्चों में ये संस्कार आ जाएंगे, ये संस्कार बच्चों में आ जाएंगे कि ये हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है इसमें, हमारा गौरव है इसमें, ये हमारे, वो गौरव नहीं है जो नाचना गाना है, वो गौरव नहीं है, ये गौरव है। इससे हमारे, आप देखें, इससे आपको एक संतुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है। वैसे भी गीता में श्लोक है, अयुक्तस्य, अयुक्त मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है, युक्त कहते हैं जुड़े होने से, किससे जुड़ा होना, भगवान से, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य है कि भगवान हमसे जुड़े हुए हैं, हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है। भगवान तो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो भगवान ने तो हमको कभी नहीं छोड़ा, लेकिन हम भगवान से जुड़े हुए नहीं, भगवान हमसे जुड़े हुए हैं, हम भगवान से जुड़े हुए नहीं है। अयुक्तस्य का भावना, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कैसे शांत जीवन बिता सकता है, वो एकाग्र मन हो ही नहीं सकता, वो कभी एकाग्र मन नहीं हो सकता, और बिना एकाग्र मन के पढ़ाई भी नहीं हो सकती। आप बैठ के कोई पढ़ना है तो भी मन को एक जगह टिकाना पड़ेगा, तो मन को एक जगह टिकाने के लिए मन भगवान की विभूति है। भगवत गीता में लिखा है, इंद्रियाणाम मनस चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, जो जिस चीज का अंश होता है वही जाके सुख पाता है। भाई मिट्टी है, पत्थर है, धरती का अंश है, कहीं भी फेंको वापस धरती पे आएगा ना, पानी कहीं भी गिरा वो समुद्र में जाएगा, उसका अंश है। अब दिया जला ऊपर जाएगा, लो उसकी, सूर्य का अंश है। ऐसे मन हमारा भगवान का अंश है, वो भगवान में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, और जब तक मन भगवान में नहीं लगता तब तक शांति नहीं, और जब तक शांति नहीं तब तक सुख नहीं। अचान्तस्य कुतः सुखम्, दुनिया में हम सब प्रयास तो कर रहे हैं सुख का, लेकिन सुख किसी को मिला क्या, सुख कहाँ है भाई। आप सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं भाई, सुख कब है ना, सब नहीं, सब सुख ढूंढ रहे हैं ना। अभी मैं आपसे पूछूं कब सुख चाहिए, तो कब चाहिए, संडे को, मंडे को, हाँ हर दिन चाहिए, कब चाहिए, दिन में चाहिए, रात को चाहिए, शाम को चाहिए, कब चाहिए, सब समय चाहिए, किससे चाहिए, क्या खपे, बेटों से चाहिए, पत्नी से चाहिए, भाइयों से चाहिए, ग्राहक से चाहिए, किससे चाहिए, सबसे चाहिए। अब देखो आपको जो सुख चाहिए, आप सब सोच लो, आपने कहा आपको सुख चाहिए कौन सा, जो सब जगह हो, सब समय हो और सबसे हो। अब ये सुख कौन दे सकता है जो सब जगह हो, सब समय हो और सब में हो, भाई भगवान के अलावा कोई है सब जगह, सब समय, सब में। इसका मतलब जो आप सुख ढूंढ रहे हैं वो और कहीं है ही नहीं,
सुख धन में होता तो सुख आ मिल जाता है, सुख अगर बाहर किसी चीज में होता तो खरीद लेते, सुख है हमारे अंदर में और वहां से हम ढूंढ नहीं रहे। सुख सबके अंदर में भरा, सुख का खजाना है अंदर, हमें खोलना नहीं आ रहा है। एक हीरे का व्यापारी था, 2 लाख का हीरा खरीदा बाजार से, तो बाहर जो हीरों के चोर है उसने उसको देखा कि इसने बहुत ज्यादा हीरे खरीदे, उसके पीछे गया। वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, उधर उसकी एरिया खत्म हो गई, उधर जो आगे का उसका इस धंधे का जो जानकार था कि अब उसको कहा कि देखो इस पर 2 लाख रुपए के हीरे हैं, इसने लिए हैं मेरे सामने, मेरे को 10,000 रुपए दे दो, ये केस मैंने आपको दिया। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी बहुत ज्यादा होती है, उसने 10,000 रुपए दे दिए। वो उस आदमी के साथ उसी ट्रेन के डब्बे में चढ़ा और दोनों उसके सामने सीट के ऊपर बैठ गए। वो शाम हुई, हाथ धोने गया, कोई वाशरूम गया, वापस आए बैठे, ए सेठ सो गया। वो तो हीरे के लिए आया था, सोया नहीं। उसने सेठ का बैग खोला, सेठ के सारा कुर्ता कमीज तकिया हर एक चीज ढूंढी, हीरे मिले ही नहीं। चिंता हो गई, ऐसी हमारे धंधे में बेईमानी होती नहीं है, इसने हीरे तो इसके पास है, गए कहाँ। सुबह हुई, उठ के फिर हम मुंह धोने गए, सो वॉशरूम गया, ये भी गया, सेठ भी गया। ये वापस आया, इसने कहा सेठ हम चोर हैं, हमारा काम माल लूटना है, हम आपको सत्य कहते हैं, हमने आपके 2 लाख के हीरे को 10,000 रुपए में खरीदा था, आपके पास हीरे जरूर हैं, लेकिन मैंने सारी रात ढूंढे, गए कहाँ, मुझे मिले नहीं। सेठ ने कहा आपने कहाँ ढूंढे थे। बोला आपकी बैग में ढूंढे, आपके बिस्तर में ढूंढे, आपके कुर्ते में ढूंढे। सेठ ने बोला जब तुम बाहर गए थे ना रात, तो मैंने हीरे तेरे तकिए के नीचे रख दिए थे, तुमने मेरा सामान ढूंढा, अपना तो नहीं ढूंढा ना। अब तुम जब सुबह मुंह धोने गए तो मैंने उठा के रखे ये पुणे हीरे। इसका मतलब कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं सुख को, सुख हमारे अंदर पड़ा है भाई, तकिए के नीचे पड़ा है सुख, उसको तो लेते नहीं है और बाहर सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सुख हमारे अंदर है, ये बहुत अच्छा गुरबाणी का शब्द, सुख का दाता राम है दूसरा ना ही कोई। कितना साफ शब्द है, सुख का दाता राम है दूसरा ना ही कोई, और कोई नहीं दे सकता। मानव जन्म में सुख चाहिए तो केवल भगवान दे सकता है। भगवान दसम स्कंद भगवान भागवत का जब छपा था, गिरा गीता प्रेस थे, उसका नाम था सुख सागर, उस पुस्तक का नाम ही है सुख सागर, भाई सुख का सागर है। इसका मतलब सुख भगवान से मिल सकता है। अब हम चाहते हैं बच्चों का जन्म देना तो ये सुखी हुए, यही तो हमारा उद्देश्य है ना, तो ये सुख कहाँ से मिलेगा, भगवान से मिलेगा। और भगवान कली काल में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में, कली केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लेकर आए हैं। तो ये जो नाम कीर्तन भक्तों के माध्यम से आप लोग कर रहे थे, सुन रहे थे, ये वास्तव में भगवान का आवाहन करना है। आवाहन करने का मतलब है बुलाना, बुलाने में ऐसे आपने किसी को बुलाया होगा, कोई आए कोई ना आए उसकी मर्जी है, किसी को निमंत्रण दें, किसी को आप इन्विटेशन दें, आए ना आए उसकी मर्जी। आवाहन का मतलब होता है आना ही पड़ेगा, ना नहीं कर सकता। तो आवाहन जो शब्द है, भाई भगवान का आवाहन कर रहा हूं, मतलब भगवान आएंगे ही। और वैसे भी नारद जी ने भगवान से पूछा था श्री कृष्ण से कि अगर आप यहां से चले जाएंगे तो ये भक्त आपको कहां ढूंढेंगे, आप इनको कहां मिलोगे। तो भगवान ने कहा ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मिलूंगा, वैकुंठ में रहता हूं। न योगी नाम हृदय शुभा, न ऐसा भी है कि घर छोड़ के कोई हिमालय में जाके योगी बन जाए तो उसके दिल में मिलूंगा, नहीं। न मरने की जरूरत है, न घर छोड़ने की जरूरत है, फिर कहाँ मिलोगे। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त भगवान के नाम मेरा कीर्तन करते वहां मैं अपने आप प्रकट हो जाता। तो भगवान जहाँ उनका नाम लिया जाता है वहां प्रकट होके नाम लेने वालों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान तो हमेशा उनका दोनों हाथों से उनकी कृपा बरस रही है,
भगवान की कृपा बरसने में कभी रुकावट नहीं होती है, हम कितनी ले पाते हैं हमारे ऊपर है भाई। बरसात ऊपर से बरस रही है, आपका बर्तन उल्टा पड़ा है तो भरेगा क्या? कटोरा उल्टा पड़ा है, बरसात तो ऊपर से बरस रही है, करो कटोरा उल्टा पड़ा है तो भरेगा नहीं ना। ऐसे भगवान की कृपा तो सदा ही बरस रही है। मिह वसन मुदायता सदा वसी तू, ये बहुत सुंदर एक संधि का शेर है। दातार तू ब्या मिड़े ही मंगना, भगवान देने वाले तो आप एक हो, बाकी सब मांगने वाले। मिह वसन मुदायता, बरसात तो अपने मौसम पे आती है। सदा वसी तू, सदा तो आपकी कृपा बरस रही है, लेकिन मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं क्या? बोले साधु संत को बुलाने का लाभ क्या है? बोले साधु संत और कुछ नहीं कर सकते, वो जो बर्तन हमारा उल्टा पड़ा है ना उसको सीधा कर देते हैं। कृपा तो भगवान की है, साधु के पास कृपा नहीं है, कृपा भगवान की है और बरस रही है। वो हमारा जो बर्तन वो उल्टा हो गया उसको सीधा करना साधु का काम है। साधु सिर्फ कटोरा हमारा सीधा कर देगा, कृपा तो भगवान की, कृपा करने वाले भगवान है। साधु माध्यम बनता है हमारे बर्तन को सीधा करने की, और बर्तन हमारा है ये बुद्धि। एक महात्मा ने, किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि कुछ शिक्षा दीजिए। बोला अपना लोटा साथ रखा। बोला हम साधु है, लोटा तो साथ ले चलते हैं, इसका अर्थ क्या? बोला ये तुम्हारा दिमाग जो है, ये बर्तन तुम्हारे साथ रखो, कहीं कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाए तो उसको ले लो। तो ये असल में कटोरा, ये हमारी बुद्धि है, दिमाग है। ये अब कहाँ जा रहा है? देव ऋषि नारद की प्रेरणा से व्यास देव ने जब सरस्वती के तट पे बद्रिक आश्रम में ध्यान में बैठे तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के पीछे माया को देखा। वो माया भगवान के पूर्ण बस में थी, जैसे छाया हमारे बस में हमारी छाया होती है, इसे माया भगवान के बस में थी। और फिर व्यास देव ने देखा कि ये संसार के लोग सारे माया के बस में, इन सबको माया ने पकड़ के रखा है और ये अपना अनर्थ कर रहे हैं। व्यास देव कहते हैं ये दुनिया सब अपना अनर्थ कर रही है। अब इस बात को हम कैसे समझें? क्या हम सब अनर्थ कर रहे हैं क्या? हम सब अपना काम कर अनर्थ कर रहे हैं क्या अपना? अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अनर्थ कर रहे हैं। ये अनर्थ इसलिए लिखा है कि सबका कटोरा उल्टा पड़ा है। अब यहां एक बात समझना चाहिए, वैष्णवी ये घर किसका है? आपका है, आप घर तो नहीं हो ना, घर तुम्हारा है। ये चश्मा किसका है? तो चश्मा तो नहीं हो ना। ये कान किसका है? कान तो नहीं हो ना। इसका मतलब बच्चा भी कहता है कि मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं आंख नाक कान नहीं हूं, ये सब मेरा है, तो मैं कौन हूं, आप कौन है? अब ये ऐसा प्रश्न है जो अगर मानव जन्म में पूछे वो बुद्धिमान है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ये बंगाल के मुख्यमंत्री राजपाट को छोड़ के चेतन महाप्रभु से पूछते हैं। सब संसार वाले मुझे कहते हैं मंत्री हो, पंडित हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, बड़े गुणवान हो, लेकिन मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। ये तो सब इस शरीर के नाम है, ये शरीर मंत्री है, ये शरीर पढ़ा लिखा है, मैं कौन हूं ये मैं नहीं जानता। पहला प्रश्न ये पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा, सब सुख के लिए दुनिया में भागा दौड़ी कर रहे हैं परंतु अंत में सभी असंतुष्ट रहते हैं, कारण क्या है? और तीसरा प्रश्न पूछा कि जीवन का लक्ष्य है क्या, कैसे प्राप्त किया जाए? ये है मानव जन्म के प्रश्न। जिसने पूछे वो बुद्धिमान है, जिसने इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं किया वो तो खाया पिया जीवन बिता दिया ऐसे ही, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना कमाना ये तो दुनिया में सभी कर रहे हैं, इसमें कोई विशेषता नहीं। सो वैष्णवी मैं हिस्से सब मेरा है तो मैं कौन हूं? देखो ये घर आपका है, आप घर नहीं हो,
तो इंपॉर्टेंट आप हो, घर नहीं है। ऐसे ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं और मैं आत्मा हूं, ये समझ में आ जाए मैं आत्मा हूं, ये मुझे शरीर मिला है, ये आत्मा नहीं है तो फिर ये शरीर तो खत्म हो गया। तो अब मेरा प्रश्न है कि हम सुबह से शाम तक 7 दिन 30 दिन महीने में पूरा साल काम आत्मा के लिए करते हैं कि शरीर के लिए करते हैं? हाँ, शरीर के लिए करते हैं। तो हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया? मैं आत्मा हूं, मैं अपने लिए क्या किया मैंने? मैं आपसे इससे थोड़ा आगे बढ़ के कहूं, शरीर के लिए भी कम करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। दूसरे दुनिया क्या कहेंगे? दुनिया वालों को दिखाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए भी नहीं कर रहे हैं। ये भी दुख की बात है, शरीर को भी तकलीफ देते हैं कि दुनिया वालों को दिखाना है अच्छे हो रहे हैं, वो अपने लिए क्या कर रहे हो ये बताओ भाई। 24 घंटे है ना सबके पास, 8 घंटे सो लो, आराम कर लो, खा लो, पी लो, नहा लो, 8 घंटे बहुत है कि नहीं? 8 घंटे कमाओ, दुकान धंधा चलाओ, 8 घंटे आपके लिए अच्छे हैं, 8 घंटे आपके अपने लिए है, आत्मा के लिए है। उसको कहां, उनको कहां जाता है, उसको कहां, वो जहां जा रहा है वो असल में हमारा हानि हो रहा है, वो खराब है। तो व्यासदेव ने देखा कि सारे संसार माया की जाल में फंसे हुए अनर्थ कर रहे हैं, इसका मतलब सारे शरीर के लिए तो काम कर रहे हैं, शरीर को अच्छा दुनिया में दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के, भाई शरीर को तो साफ करने का रोज नेम है, अभी अंदर को साफ करने के लिए भी कोई साधन है क्या भाई? घर में झाड़ू वाड़ू तो रखा होता है ना, सब रोज घर में झाड़ू निकलता है कि नहीं? पोछा भी लगता है, सफाई भी होती है हा? तो बाहर से सफाई तो सब होती है घर की, जैसे घर की सफाई होती है ऐसे बाहर शरीर की सफाई होती है, लेकिन अंदर की सफाई कैसे करें? भगवान तो अंदर बैठा हुआ, सबके हृदय में बैठा हुआ, और उस अंदर की सफाई कैसे की जाए? तो वहां व्यासदेव ने देखा कि सब बेचारे ये नहीं जानते हैं क्या करें, इनको मालूम नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन मैं तो अज्ञानी नहीं हूं, मैं तो जानता हूं, मैं इनको काय के लिए अनर्थ करने दूंगा, मैं इनके सुख का साधन ढूंढ देता हूं, तो मैं इनके लिए सुख का साधन ढूंढता हूं। तो व्यास देव ने कहा कि इनके सुख के लिए मैंने भागवत को प्रकाशित किया। अब भागवत को सुनने मात्र से इनके हृदय में इनके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्ति, भागवत प्रेम जागृत हो जाएगा, ये अपना भला करने सीख जाएंगे। So, पहला प्रश्न यह है कि मैं हूं कौन, और इसके ऊपर विचार करना, लोगों के पास समय ही नहीं है ये पूछेंगे मैं कौन हूं, पता सिर्फ तब चलता है जब किसी का शरीर छूटता है तो कहते हैं वो चला गया, शरीर तो उधर ही पड़ा होता है, चला कौन गया, तब लगता है कि और कोई चीज थी जो चली गई। वो इसको हम कहते हैं आत्मा के विषय में जानकारी न कॉलेज में है, न यूनिवर्सिटी में है, न कहीं विज्ञान, ये मिलता ही नहीं, और ये भारत का धरोहर था पहले, ये इसीलिए भारत महान था कि ये ज्ञान हर एक व्यक्ति को मिलता था गुरु के आश्रम में, और ये जब से पढ़ाई की पद्धति बदल गई गुरुकुल की बजाय मेकाले की दी हुई अंग्रेजी पढ़ाई पद्धति आ गई, तब से आत्मा का बोध हमारे अंदर से बिल्कुल चला गया, और केवल आत्मा का बोध नहीं चला गया, चरित्र चला गया, इखलाक चला गया, मर्यादाएं चली गई, बड़ों का आदर चला गया, सब कुछ देवाला निकल गया। असल में देखा जाए तो एक नेपाल में 1983-84 में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, पूरे दुनिया के हिंदू इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये बात समझने का प्रयास किया कि हमारे बच्चों का भविष्य में चरित्र निर्माण कैसे किया जाए, इनका मॉरलिटी को कैसे प्रिजर्व किया जाए,
इनके चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, अखलाक कैसे सुधारा जाए। तो एक बुद्धिमान महात्मा ने उदाहरण वैसे कहा कि पानी लाओ, तो कोई गया लोटा भर के पानी ले आया, गिलास में पानी लाया। तो महात्मा ने कहा देखो मैंने पानी मांगा तो आपने किसी बर्तन में पानी लाया ना, पानी मांगूंगा तो बर्तन चाहिए ना, तो बिना बर्तन के तो पानी नहीं पिया जा सकता है। ऐसे अगर आप अपने भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए चरित्र चाहते हो, उनके अंदर इखलाक चाहते हो, सद्गुण चाहते हो, मॉरलिटी चाहते हो, तो उसके लिए भी कोई बर्तन चाहिए ना। कौन सा पात्र है जिसमें चरित्र टिक सकता है? तो उस समाज ने उस बहुत बड़े सम्मेलन में, साधु भी पूरे विश्व के थे, धर्मगुरु भी थे, पंचायतों के प्रतिनिधि भी सब थे, उसमें ये निर्णय किया गया कि आध्यात्मिकता वो पात्र है जिसमें चरित्र टिक सकता है। आध्यात्मिक का मतलब आत्मा का अध्ययन करने वाले लोग ही चरित्रवान हो सकते हैं, उनके जीवन में चरित्र टिक सकता है। बिना बर्तन के पानी नहीं रह सकता, बिना आध्यात्मिकता के चरित्र नहीं रह सकता। तो चरित्र के निर्माण के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है, और आध्यात्मिकता का अभाव बहुत ज्यादा आज कल की नौजवान पीढ़ी में है। अच्छा लग रहा है कुछ नौजवान अब आध्यात्मिकता में रुचि रख रहे हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि सत्संग में तो बूढ़े लोग आते हैं, मंदिर में जाओ तो भी बूढ़ी माताएं मिलेंगी, कुछ मिलेंगी, कुछ बूढ़े लोग मिलेंगे, और चर्च में जाओ तो भी बूढ़े लोग मिलेंगे, आपके पास नौजवान लोग क्यों है ज्यादा? आपके पास सब 18-20-25 साल के लोग हैं, 33-30 साल का तो कोई था ही नहीं प्रभुपाद के समय। प्रभुपाद 70 साल से शुरू किया था, 70 साल में उन्होंने काम शुरू किया था, और उसके बाद वो 14 साल रहे, इसका मतलब 84 तक रहे, और उनके सारे जो अन्यायी थे वो 17 से लेके 29 तक की उम्र थे, 30 का भी कोई नहीं था वैसे देखा जाए तो। भाई तो आपके बच्चे आपके पास सत्संग में नौजवान क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बूढ़े जाते हैं कि नौजवान जाते हैं? बोला नौजवान जाते हैं, बूढ़े थोड़े जाएंगे कॉलेज में। बोला क्यों? बोला वहाँ पढ़ाई होती है। बोला मैं भी पढ़ाई करा रहा हूँ इनको, मैं इनको आत्मा का विज्ञान सिखा रहा हूं, मैं इनको भगवत प्रेम का विज्ञान सिखा रहा हूं, इसलिए नौजवान मेरे पास आ रहे हैं। और महात्मा मैं कल सुन रहा था, वो कह रहे थे ये रोज हम रामायण सबको सुनाते हैं, रामचंद्र सुबह उठ के अपने माता पिता को माथा टाकता, और यहां सब आते ही 60 साल के ऊपर वो कहते हमारा माता पिता ही नहीं है, किसको माता टाके, इसलिए नौजवान ही नहीं आएंगे तो ये धर्म सिखाएंगे किसको? इस धर्म सिखाने वाले के बच्चों की जरूरत है। वैसे ये बच्चियां अगर माता का हाथ बटाएं और रसोई में भोजन बनाना सीख जाएं तो जिंदगी में सुखी रहेंगी, लेकिन इनको आता नहीं है कुछ भी बनाना आजकल आज के बच्चियों को। ये बात सच है कि झूठ है? हाँ नहीं आता है न तो अच्छे ना, थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ हाँ बहुत अच्छा। एक अहमदाबाद में बच्चों की स्कूल चलाता है, वो बच्चों को सिर्फ सिलाना और पकाना सिखाता है कि घर के अंदर जो मुख्य काम है ये है, घर तब चला सकेंगे, घर को चलाना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इनको। और ये माता को सहारा हो जाती थी, बच्ची 6-7 साल के बाद माता का सहारा हो जाती थी, बच्चा 5-6 साल का प्राण। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे स्कूल से आए, बस्ता फेंका सीधा पिता के दुकान पर जाके बैठते थे, और वो मैट्रिक पास करते तब तक तो वो पूरा दुकान चलाना उनको आ ही जाता था, उनको कोई 25 साल तक थी फिर पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं थी, MBA उससे पहले वो अपने पिताजी के काम को संभाल लेते थे, कुछ जरूरत नहीं जिंदगी खराब करने की थी। अब तो 30 साल तक 35 साल तक पढ़ते रहते न इधर के न उधर के, और उसके बाद कमाने जाएंगे तो फिर भी एक पत्नी कमाएगी पति कमाएगा, लेकिन इधर एक घूमेगा उधर घूमेगा, बच्चा कहाँ घूमेगा जाएगा कुछ पता नहीं है बेचारों का, घर तो रहा ही नहीं कहीं। तो ये बच्चों को
ये शिक्षा है नहीं कहीं, है कि स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा है? नहीं है। घरों में भी ये शिक्षा नहीं है तो कहां मिलेगी ये शिक्षा? तो ये संस्कार, आध्यात्मिकता में संस्कार है और उन संस्कारों की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। हम चार चीजें हैं जिंदगी में, चार चीजें जरूरी है। पहले तो हमारा जिंदा है ना जरूरी है। हम हैं तो दुनिया है, हम ही नहीं है तो दुनिया किस काम की? और हम जिंदा इसलिए हैं कि हमारे अंदर शरीर में आत्मा है, इसलिए हम जिंदा हैं। आत्मा है तब हम जिंदा है ना, इसका मतलब हमारा जिंदा होना जरूरी है। इसका मतलब आत्मा के बारे में हमें पता हो, हम जानते हो, और फिर हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। हम जिंदा हैं और स्वस्थ नहीं है तो ना हम सुखी है, ना पड़ोसी सुखी है, ना घर वाला सुखी है। तीसरा, हमारे परिवार में प्रेम होना चाहिए। तीसरा, चौथा, हमारे पास पैसा होना चाहिए जिससे घर का निर्वाह चले। अब होना क्या, देखो पहले क्या होना चाहिए, आत्मा, फिर स्वस्थ, फिर परिवार, फिर पैसा। चौथे नंबर पे पैसा था हमारी संस्कारों में, और आजकल पैसा पहला नंबर ले लिया। हमें पैसा चाहिए, परिवार टूटे तो टूटने दो, स्वस्थ बिगड़े तो बिगड़ने दो, शांति चली जाए तो जाने दो, लेकिन पैसा आना चाहिए। हमने ऐसा उल्टा फार्मूला बना लिया है, जो प्राथमिकता देनी चाहिए थी शांति के लिए उस तो आत्मा से मिलेगी, स्वस्थ के लिए वो सुबह उठ के घूमने जाने वाले बहुत कम है, सुबह उठने घूमने वाले बहुत कम रह गए, मॉर्निंग वॉक वाले बहुत कम रह गए, और जो चलते हैं वो दिल कहता है कि जो चलेगा उसके लिए मैं भी चलूंगा, वो नहीं चलेगा तो मैं कैसे चलूंगा। ठीक है, ये असल में खराब हो गया सारा सिस्टम। और परिवार भी प्रेम में तो रहने वाले संगठित बहुत कम रह गए। इसका मतलब ये तीन चीजें बहुत कम हो गई। पैसा ज्यादा आ गया है, धन आ गया, घर भी बड़े हो गए, गाड़ियां भी बड़ी आ गई, लेकिन शांति नहीं, स्वस्थ नहीं, और परिवार में संगठित और प्रेम नहीं। तो इसलिए प्रायोरिटी जिस जिंदगी में पहले मुख्य चीज क्या है जिंदगी, उसको पहला प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये हमारा जिंदगी का रोज का सुबह उठ के पहले शुरुआत ही भगवान के स्मरण से की जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, और शाम को वापस आके भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को सुख से सो जाओ तो दोनों दिन के सारे काम अपने आप सुखी हो जाएगा। सुबह शुरुआत भगवान के स्मरण से करो, सारा दिन काम करो, शाम को भगवान का स्मरण करो, सुखी होकर सो जाओ, कोई चिंता नहीं। तो आध्यात्मिकता जीवन में बहुत जरूरी है, इसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। मेरे ख्याल में समय ज्यादा हो गया, कथा को यहाँ विराम देते हैं। और बच्ची के जन्मदिन की वैष्णवी को सब बधाई देते हैं। हरे कृष्ण। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।